साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूँ। ये रेमेडी जो है मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को देता हूँ और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ खास टिप्स बता रहा हूँ कि देखिए हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक खास आपको टिप्स दे रहा हूँ। कुदरत का या प्रकृति या यूनिवर्स या भगवान जो भी आप कह लें, सबका एक नियम है कि जो भी हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस 100 गुना मिलता है। तो एक छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूँ, अगर इसको आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में एकदम चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी बुधवार से आप शुरू करें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह जब उठते हैं तो आपको 3 बार बोलना है ओम श्री गणेशाय नमः, और उसके बाद में कोई भी किसी को भी आपको ब्लेसिंग्स देनी है, दुआएं देनी है। मतलब कि देखिए आपने सुबह उठे ओम श्री गणेशाय नमः 3 बार बोलना है आपको, क्योंकि बुधवार के दिन इसलिए बोल रहा हूं कि बुध का संबंध होता है आपके माइंड दिमाग से और दूसरा आपकी वाणी से। अगर आपकी वाणी से अगर अच्छे शब्द निकलते हैं तो बुध आपके बैलेंस होते हैं और जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं धीरे 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 वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आपको बस करना क्या है, सुबह जब उठते हैं तो 3 बार बोलें, बुधवार से स्टार्ट करें, किसी भी बुधवार से स्टार्ट करना है आपको और फिर कंटिन्यू करना है 21 डेज या 41 डेज में। देखिए आपकी लाइफ में कैसे लाइफ चेंजिंग मिरेकल होता है। तो सुबह उठे और आपने बोलना है ओम श्री गणेशाय नमः, इस व्यक्ति का हमेशा भला हो, इसकी ये परेशानी दूर हो जाए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बोलना है आपको, आपकी वाणी से शब्द निकलने चाहिए। उसके बाद 3 बार फिर से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत ही दोस्तों सीधा सिंपल सा उपाय है, अगर ये करना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि जो आप नहीं सोच सकते थे, कुछ परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, तो हम लोग वहां पर एक छोटी सी गलती करते हैं कि हम लोग भगवान से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि भगवान तूने हमारी लाइफ में ये कर दिया, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती ना करके जब भी कोई परेशानी आए तो आपको एक काम करना है, उस समय आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि मेरे जिस भी कर्मास की वजह से, जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं जाने में अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं जिसके लिए मुझे कष्ट मिल रहे हैं। वहां पर शिकायत ना करके और आप यदि क्षमा मांगते हैं तो आपकी वो परेशानी काफी हद तक 75% तक उसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज कि जब भी कोई आपको खुशी मिलती है, छोटी से छोटी खुशी, उसके लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी मिलना शुरू हो जाती है। सपोज आपको 10 रुपए भी अगर कहीं से मिलता है तो उसमें आपको एक खुशी मिलती है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। अगली बार आप देखेंगे आपको 100 रुपीज मिलेगा, 100 मिलता है, ग्रेटिट्यूड करिए 1000 मिलेगा। कोई भी परेशानी आती है जिंदगी में तो माफी मांगे, और कोई भी खुशी आती है तो ग्रेटिट्यूड करें। और आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ ये आपको बुधवार के दिन में करना है। अगर इसको आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधित परेशानी है या कोई भी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, मतलब तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी इस प्रयोग से दूर हो जाएंगी। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की हुई तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यूट्यूब में सारी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजर की जनरल होती है, जिनसे मैच हो गई तो उनको रिजल्ट मिल जाता है, जिनको नहीं मैच होती है रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, परिवर्तन आपको 7/11 में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और हमारे द्वारा दोस्तों दो शाबर मंत्रों के द्वारा दो विशेष पूजा होती है। एक तो राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु को बैलेंस करना मतलब कि 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सफलता ग्रोथ सब कुछ मिलने लगती है। ये पूजा 18 दिन की होती है, शाबर मंत्रों के द्वारा होती है। अगर ये विशेष पूजा बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसमें आपका कुछ डिटेल्स लगती है, जैसे कि आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, करंट फोटो, गोत्र। इनके जरिए संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। और दूसरी विशेष पूजा होती है शाबर मंत्रों के द्वारा, जो 3 महीने में आप खुद का घर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने पूजा कराई है, जिनमें उनको 2 महीने में खुद का घर प्राप्त हो गया, खुद के घर के योग बन जाते हैं। तो ये पूजा भी बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, आपको चंदन की 4 अगरबत्तियां लेनी है, चंदन की ही आपको लेनी है। और किसी भी बुधवार से स्टार्ट करें, बुधवार से चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो बुधवार, शनिवार, रविवार, इन 3 दिनों में विशेष इसका असर होता है। तो 4 चंदन की आपको, ये मेरा काफी, ये प्रयोग मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो 4 चंदन की अगरबत्ती सूर्य अस्त के बाद आपके घर का जो नैऋत्य कोण है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है, वहां पर आपको 4 चंदन की अगरबत्तियां लगानी है, ठीक है, सूर्य अस्त के बाद। और हो सके तो एक जो मोर का जो झाड़ा आता है, गोल झाड़ा जो आता है, ठीक है। तो आजकल देखिए दोस्तों, हर चीज डुप्लीकेट मिलने लगी है। जब तक आप ओरिजिनल चीजें यूज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको यदि मोर पंख का ओरिजिनल झाड़ा मिल जाए, गोल झाड़ा लेना है आपको, ठीक है। तो इसको अपने घर की नैऋत्य दिशा में आपको उल्टा, जो मोर वाला हिस्सा होगा पंख वाला, वो नीचे और हैंडल ऊपर, ऐसा वहां पर आपको टांग देना है। ये आपको बुधवार, शनिवार या रविवार के दिन में करना है। ये करके देखिए, अनएक्सपेक्टेड आपको इसमें सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी, धन रुपया ऑटोमेटिक आने लगेगा। और एक ये प्रयोग तो मैंने काफी पहले भी दे चुका है कि अगर आप गाय के गोबर का किंडा लेते हैं और वहां पर आपको गाय के गोबर की किंडी का धुआं करना है, जब धुआं पूरा खत्म हो जाता है, आग रह जाती है, तो 4 चुटकी ले लेनी है आपको अजवाइन। अजवाइन जो होती है राहु से जबरदस्त कनेक्टेड होती है। तो 1 चुटकी अजवाइन ली आपने, आग में डाली और ओम रांग राहवे नमः 4 बार ये मंत्र आपको पढ़ना है। फिर दूसरी चुटकी आपने उठाई, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, दूसरी चुटकी आपने डाल दी। ऐसे करके 4 चुटकी अजवाइन वहां डालेंगे और 16 बार मंत्र पढ़ेंगे, 4-4 बार, है ना। और जब मंत्र पूरा हो जाता है तो उससे धुआं निकल रहा होगा, तो उसी धुएं को देखते हुए ओम रांग राहवे नमः 44 टाइम्स इस मंत्र का आपको जाप करना है। राहु और केतु, ये 2 ग्रह से जो छाया ग्रह है, इनका वास होता है धुएं में और इनकी दिशा होती है नैऋत्य दिशा, और उनकी दिशाओं में यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये जबरदस्त तरीके से सफलताएं देना शुरू कर देते हैं। और एक छोटा सा प्रयोग और आपको बता रहा हूं, बुधवार के दिन में ये बुध ग्रह को बैलेंस करेगा आपके। आपको हर बुधवार के दिन में इस प्रयोग को करना है। 5 आपको हरी छोटी इलायची लेनी है, ठीक है। नहा धोकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके और अपने पूजा स्थान में बैठ जाए, 1 घी का दिया जला लें, 5 इलायची को सीधे हाथ में रखें और ओम बुम बुद्धाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का 55 बार 55 टाइम्स इसका जाप करें। और इन इलायची को अपने जेब में डाल लें, 1 इलायची मुंह में डाल लें, मतलब सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इन 5 इलायची को आपको खाना शुरू करना है। हर बुधवार के दिन में 5 इलायची इस तरीके से आप खाइए, उसके बाद में देखिए कि बुध आपको कैसे कुछ धनवान बना देते हैं। बुध ग्रह से है, जो ग्रहों में राजकुमार हैं, युवराज हैं, इनका किसी ग्रह से ना तो कोई मित्रता है, ना ही किसी कोई ग्रह से बैर है, लेकिन ये जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि चारों तरफ से सफलताएं देते हैं। और एक छोटा सा प्रयोग और आप कर सकते हैं, 5 आपको कड़वी नीम की पत्तियां लेनी है, कड़वी नीम होती है, ठीक है, उसकी 5 पत्तियां आपको ले लेनी है और उसके बाद में इसको एक हरा सिल्की कॉटन का कपड़ा ले लें और अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, घी का दिया जला लें, 5ों जो होगी पत्ती सीधे हाथ में रखें और वहां पर आपको मंत्र, जो मैंने मंत्र बताया, ओम बुम बुद्धाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शाह बुद्धाय नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र का 555 टाइम्स जाप करके अभिमंत्रित करके और हरे सिल्की कपड़े में इसको लपेट करके चारों तरफ धागे से सिल्की पोटी भी बना लें। इसको अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं या अपने पर्स में परमानेंटली आप डाले रहने दीजिए। 11 डेज या 21 डेज में इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जो भी कार्य में रुकावट थी, बुध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। राहु से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए, 4 चंदन की अगरबत्ती आप घर के नैऋत्य दिशा में लगाइए और हो सके तो मोर का झाड़ा लगा दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रयोग जो है बहुत टेस्टेड है और ये प्रयोग मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, लेकिन ये प्रयोग आज मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ। करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है इसका,
ठीक है, जो भी परेशानियां चल रही होती है वो सारी दूर हो जाएंगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स जब वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको इस जानकारी की नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड करता है। अब आप लोग का एक सेकंड का एक छोटा सा लाइक, आप लाइक करेंगे तो और लोगों तक इस जानकारी को भेजा जाएगा। तो आपका एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है, घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो लाइक जरूर कर दिया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं हाँ सब के कमेंट्स देखता हूँ तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, है ना। और शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, घर बैठे किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राहु की विशेष पूजा बुकिंग करानी है या खुद के घर के योग बनाने हैं, शाप्र मंत्रों के द्वारा जो पूजा होती है बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।